नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 1 जून 2020 है। 1 जून 2020 की बड़ी खबरें क्या है? भारत में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 182,143 हो गई। कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब तक देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,164 हो गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या 8,000 से अधिक मिले हैं। बिहार में भी कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में 31 मई को 131 नए मरीज मिले। इस प्रकार बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3800 के पार हो गया। बिहार सरकार ने कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन के मसले पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 माह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब बिहार में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। देश के गाइडलाइन के अनुसार ही बिहार एक्ट करेगा। बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। सीट से अधिक पैसेंजर बस में नहीं बैठेंगे। आगामी 8 जून से शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से डटे रहने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, ऐसे में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम दुनिया की ओर देखते हैं तो महसूस होता है कि भारतीयों ने संकल्प शक्ति से बहुत कुछ बचाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निजी अस्पताल, क्लिनिक और नर्सिंग होम का संचालन भी सुचारू रूप से होना चाहिए, ताकि अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज सुविधा से हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों हाई लेवल मीटिंग कर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस बात को लेकर विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में कहा है कि निर्देश का पालन भी तो हो। 15 साल बाद भी भाजपा नीत सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्देश ही दे रहे हैं, जबकि हर वर्ष चमकी बुखार से मृत प्राय स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हजारों लोगों की मौत होती है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने राशन कार्ड और जॉब कार्ड को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवानंद ने कहा है कि बिहार में कोई भी कार्ड नहीं बन पाता है। रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अपराध बढ़ा है लेकिन सरकार मौन है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने देश के वर्तमान हालात पर बोलते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण मजदूरों की स्थिति खराब है, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, चीन से ज़्यादा मौत अब तक भारत में हो चुकी है, परंतु केंद्र सरकार 1 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। शनिवार की देर शाम किशनगंज अररिया NH पर बोरिया पुल के समीप सड़क दुर्घटना में मां बेटे सहित 3 लोगों की मौत के बाद मृतक के गांव में कोहराम मचा है। सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र स्थित बौराहा पंचायत में एक महिला की हत्या कर उसकी लाश नदी में फेंक दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सहरसा जिले के सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैटरी चोरी कर लगातार ई रिक्शा को परेशान करने वाले चोर को पुलिस ने हवालात भेज दिया है। सरायगढ़ में पुलिस ने NH पर गश्ती के दौरान शनिवार की रात पिपरा खुर्द के पास 3 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया के 22 अनुमंडल अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित मोहम्मद यासीन को पहले जनता चौक से उठाकर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डगड़ोवा के सामने छोड़ दिया। पूर्णिया और कटिहार जिले की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक व्यक्ति को एक पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब चलते हैं मौसम की ओर। देश में मौसम का तेवर कुछ कहा नहीं जा सकता। लगातार भीषण वर्षा हो रही है। तूफान के साथ हो रही वर्षा से किसान बेदम हो रहे हैं। मानसून समय से पूर्व ही उतरा हुआ लगने लगा है। इस बीच देश में बड़े तूफान की आशंका जताई गई है। सूत्रों के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात पर हिंका तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इस आशंका को लेकर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने की आशंका जताई गई है। अब चलते हैं कमेंट्स की ओर। बिहार के कटिहार के मोहम्मद फहीम ने हमें कमेंट किया है कि वे 10 लोगों के साथ दिल्ली में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर आना चाहते हैं। अररिया के हेमंत घर आना चाहते हैं, महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। पप्पू राज ने उड़ीसा से कमेंट किया है, वह भी बिहार अपने घर आना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि ट्रेन कब है। पटना के संजीव कुमार ने कमेंट किया है कि वे अपने 12 लोगों के साथ बिहार के नवादा में हैं, पटना जाना चाहते हैं। प्रदीप सिंह लिखते हैं कि मैं अब बिहार से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, अपने गांव घर में ही रहूंगा। मोहम्मद इमरान ने जानना चाहा है कि अररिया से पटना के लिए बस सेवा कब शुरू होगी। हमारे कमेंट बॉक्स पर कई किसान हैं जिन्होंने सिर्फ मौसम के बारे में पूछा है। दरअसल किसान मौसम की बेरुखी से काफ़ी परेशान है। उमड़ी बिघा से राजू कुमार को किस्त पर ली गई गाड़ी अब गले का कांटा लगने लगा है। कमेंट बॉक्स पर वे लिखते हैं कि काम बंद है, हम किस्त कहां से देंगे। इसी प्रकार अपनी अपनी परेशानी को लेकर कई लोग कमेंट बॉक्स पर आए हैं। कुछ लोगों ने द न्यूज़ 9X का शुक्रिया भी किया है। इनमें मोहम्मद सज्जाद, निर्मल हंसदा, जितेंद्र बिंद, शंकर कुमार, कृष्णा कुमार, कृष्णा कन्हैया, दिलचंद राज, मोतीलाल शर्मा, रवि सिंह, विमल कुमार आदि समेत कई लोग हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।